सीरीज हाजिर है। जी हाँ, ये महाभारत सीरीज में आज हम पुनः आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज लेकर आए हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगर आपको सरकारी नौकरी करना हो, जो विश्व भूगोल आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम की जब बात हो जाती है, इस वीडियो के अंत तक बिना कॉपी मतलब कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और जो भी महत्वपूर्ण की पॉइंट आपको लगे उसे नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है उससे भी ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपने कितना बेहतर अंक अर्जित किया, इसकी व्याख्या आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तीन है और एक नहीं है। तो जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी से पहले दिए गए प्रश्न का जवाब दें। अगर आपने जवाब दिया तो ठीक है, वरना हम आपके इन सभी प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और हम चाहेंगे इसकी विस्तृत व्याख्या भी करते चले। तो चलिए भैया जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाक से जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फो। देखिए फो और मिस्ट्रल, ये फो और एक मिस्ट्रल हवा है, दोनों के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये दोनों जो हवा है ये आल्पस के उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती है, मतलब ये सही है। बोरा पोलैंड में दिया है। अगर हम जब फो की बात करें, जो फो है ये फ्रांस की, और यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को, मिस्ट्रल फ्रांस की और फो स्विट्जरलैंड की, ये भी जानते रहेगा। अगर फो और मिस्ट्रल ये दोनों आल्पस पर्वत से जन्म लेती हैं, लेकिन अगर मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल जो ये फ्रांस की स्थानीय हवा है, एक तरह से मान सकते हैं। अगर फो की बात करें तो स्विट्जरलैंड की, कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की हवा है, यह स्थानीय पौने हैं। मानी स्विट्जरलैंड फ्रांस जर्मनी की सीमा पर ही राइन नदी की घाटी प्रवाहित होती है। अगर बोरा की बात करें तो पोलैंड की नहीं है, बोरा इटली की है। और किस सागर में, एड्रियाटिक सागर में बहती है। कहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एड्रियाटिक सागर में बहती है। मिस्ट्रल राइन की घाटी, अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया मिस्ट्रल के बारे में, तो मिस्ट्रल कहाँ है, राइन की घाटी में बहती है। खामसिन, ये दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक, ये दक्षिण अफ्रीका से कहाँ से, ये दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक, लिखना चाहे लिख लीजिएगा आपके ऊपर है, ठीक है। ये मिस्र तक, और ये अप्रैल से जून तक प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ पर इस दिए गए प्रश्न का जो उत्तर गलत है वही सही है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको विकल्प में चयन करना होता तो बी का विकल्प का चयन हम सभी करते हैं। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पे देख रहे हो, यूट्यूब पर, चाहे आप इसे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप देख रहे हैं। आप इस वीडियो को सबसे पहला काम शेयर जरूर करिएगा, ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे, आपके लिए क्लास यादगार होगी, इससे बाहर आपके परीक्षा प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। बाकी आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, वर्षा की मात्रा किस बात पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। सभी साथी जल्दी जल्दी बताइए, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आप लोग रेस के घोड़े हैं, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आया है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके, ध्यान से देखना आपको कि जो वर्षा की मात्रा है किन बातों पर, हवा के दबाव पर, वायुमंडल के नमी पर, जल चक्र पर, या तापक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल प्रश्न है और मैं चाहूंगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। देखिए ये सीधी सी बात है, आप लोगों ने एकदम सही बताया है, ये वायुमंडल में नमी पर, ध्यान देने की बात है, वर्षा जो है ये वायुमंडल के नमी पर निर्भर है। जी हाँ, एक खासा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए है, और अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हों, लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये बात आप सभी को पहली बात तो जाननी चाहिए कि वायुमंडल में जब नमी है जहाँ, वहाँ पे ही वर्षा ज़्यादा होगी ना, तो ये बात एकदम साफ है। अगला देखिए, यहाँ पे सूची एक और दो में मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ नदी का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है। तो बताइए खारतूम, देख रहे हैं नदी का नाम ना, खारतूम है और ब्राजावेले है, राटर्न है, राटाडम है और पेरिस है। तो बताइए
नगर हैं और किस नदी किनारे बसे हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, सभी साथी जितने वीडियो को देख रहे हैं बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर हम खारतूम की बात करें तो जो खारतूम है वह नील, मतलब खारतूम नील नदी किनारे है, और अगर हम ब्राजाबेली कहें तो ये जायरी नदी किनारे है। राटाडम नदी जो है यह राइन नदी के किनारे बसा है, और सेन नदी किनारे पेरिस है। तो यहाँ पर ये मिला लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। जिनका सही हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ऐसे ही अपना बेहतर देते रहिए या लोगों को वीडियो पहुँचा दीजिएगा जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगला लाल सागर उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल सागर उदाहरण है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ, बाकी एक बार इस सीरीज को पूरा पढ़ लेंगे और बाकी जो क्लास में आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा थियरी, उसके बाद ही सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको किसी भी भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी, यहाँ से प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग इस बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ज्वालामुखी घाटी है? जी नहीं, लाल सागर ये ज्वालामुखी घाटी नहीं है, ये अपर्दित घाटी भी नहीं है, युवाकार की घाटी भी नहीं है, अच्छी द्रोणी है। मतलब यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर सी सही है, ये अच्छी द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर, ठीक है, क्लियर। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला, निम्न में से कौन सा बड़ा पठार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट, कौन सा बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। अगर पूछा जाए कौन सा पठार बड़ा है, इस विकल्प के आधार पर बताना है। सभी लोग बताइए, दिए गए विकल्प में से दिया जाए तो सबसे ज्यादा कोलोराडो का पठार यहाँ पर बड़ा है। कोलोराडो, अगर कोलोराडो में देखा जाए, ऊटा है, एरिजोना है, ये न्यू मैक्सिको में स्थित है। दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा पठार कोलोराडो का पठार है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? निम्नलिखित में से शीत महासागर धारा नहीं है, मतलब ठंडी महासागरी धारा नहीं है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। कनारीज की जो धारा है ठंडी धारा है, हम्बोल की धारा ठंडी जल धारा है, ठीक है, वैसियों की धारा ठंडी, लेकिन अंगुल हास, ये मैंने पढ़ाया है, अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे यह प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, ये एक गर्म महासागरी धारा है और ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट तक चलती है। ये गर्म जलधारा, ये क्या गर्म जलधारा है, ठीक है। बाकी हम्बोल, कनारीज, ओएसईओ, ये ठंडी धाराओं का उदाहरण है, ठीक है। वीडियो एकदम साफ एचडी चल रहा है, जिसका वीडियो साफ न चला हो तीन डॉट बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो आपको पूरी तरह एचडी में मिलेगा। अगला, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड। माने उगते सूरज का देश किसे कहते हैं और डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पेज, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ की पॉइंट लिखवा रहा हूं, अगर वो की पॉइंट समझ में आ जाए इस वीडियो को अपने 10 साथी मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। जी हाँ, आइए देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। नॉर्वे को ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे को अर्धरात्रि का, ध्यान से देखिएगा, अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो इसे डूबते सूरज का देश कहते हैं, ब्रिटेन को डूबते सूरज का
देश कहते हैं, फिनलैंड को स्कैंडिनेविया देश कहते हैं, इसे कौन सा देश कहते हैं, लिखना चाहें लिख लीजिएगा, स्कैंडी नेवियन देश कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी जापान। जापान को निप्पन कहते हैं, अर्थात उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश कहते हैं। यहां पर हमने चारों विकल्प की व्याख्या कर दिया, तो इसकी चाह तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधी जानकारी लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जनपुर जनपद से मेरे द्वारा निःशुल्क आपके लिए संचालित की जा रही है, और इसकी जो नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जुड़े तो वहां पे भी आपको पीडीएफ धीरे धीरे करके मिलती रहेगी। तो ये एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा हो तो एनसीईआरटी में आपको ये मिला होगा, चारों तथ्य मैंने बता दिया, ठीक है। अब निप्पन भी जापान को कहते हैं, वहां का एक शब्द है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो की स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, ये हमेशा काम आने वाला सीरीज है यार। वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। मुझे बार बार कहना पड़ता है कि इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, जापान का विशालतम द्वीप कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए जापान में चार प्रमुख द्वीप हैं, अगर चार द्वीप के बारे में जानते हैं तो कौन कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक है होकाइडो, क्यूशू, क्यूशू है, होन्सू है, होन्सू है, और सी कोकू है, सी कोकू, ये चार द्वीप हैं, चार द्वीप हैं। इनसे मिलकर, इनमें इनसे मिलकर क्या बना है, जापान बना, इन्हीं से मिलकर क्या बना है, जापान बना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आता है होन्सू, ठीक है, होन्सू इस प्रश्न का सही जवाब होगा, रट लीजिएगा, होकाइडो, क्यूशू, होन्सू, सिकोकू। वैसे होन्सू याद रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप है, ये जापान इन चार द्वीपों पर बसा हुआ है, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके दिए गए प्रश्न के बारे में बताएं। देखिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये सीरीज वास्तव में वो परीक्षा वाली सीरीज है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है जिसे हम पीसा की मीनार कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कुछ लोग ऑस्ट्रिया बता रहे हैं, कुछ फ्रांस, इटली, स्पेन, तो ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं इटली। ध्यान देने योग्य बात है, ये इटली में पीसा की मीनार अपने अक्ष से झुकी हुई, ठीक है। अब पूछा जा रहा है लोअर इंफिल टावर, फ्रांस में इंफिल टावर, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इंफिल टावर, ये फ्रांस में है, ठीक है। लोअर इफेल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है, यहां से परीक्षा प्रश्न आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, अगला आपके सामने है, मिलान करना है। यहां पे 1994 में जो कुछ यात्री आए थे उनके बारे में बताना है और मिलान करना है। वास्को डी गामा पहला दिया है, यह पुर्तगाली यात्री था जो 1498 में भारत की समुद्री रास्ते की खोज की। कुछ लोग कहते हैं भारत की खोज कीजिए, नहीं, समुद्री रास्ते की खोज की, ठीक है। कोलंबस जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस, यह एक स्पेन का निवासी था, 1492 में यह अमेरिका का नई दुनिया की खोज करता है। कैप्टन कुक, ये ग्रेट ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, मतलब इधर से मिलाइएगा नाम के साथ,
अब बचा कौन? तस्मान हॉलैंड का। तो यहां से आपके प्रश्न कई परीक्षा में बन गए। ठीक है, तो आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो वास्को डी गामा है ये भारत की 1498 में भारत में समुद्री रास्ते की खोज किया था कालीकट बंदरगाह पे पहुंचकर। अब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था लेकिन अमेरिका पहुंच गया, उसका नाम वहां पे नई दुनिया रखता है 1492 में। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। अगर यहाँ पे देखिए, मैंने कई चीज़ें आपको बता दिया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमारा उद्देश्य केवल केवल आपका सिलेक्शन है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भूगोल के नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये 1994 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ पर ये उसका संकेतक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रश्न की सीरीज है जो बार बार परीक्षा में घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं और अब उसकी थोड़ी सी जो प्रकृति है वो बदल दी गई है। यहाँ पर आते हैं, इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर होगा ग्रिफिन टेलर। जी हाँ, ग्रिफिन टेलर, ये नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था, रुको और जायम नियम। ठीक, अगला यहां पे ध्यान दीजिएगा, देश की राजधानी बताना, फटाफट कमेंट करिएगा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, एकदम सरल है। क्यूबा की राजधानी अगर देखा जाए तो क्यूबा की राजधानी क्या, बताइए जल्दी से बताइए, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यूबूत पेशो है। यहाँ की अगर देखा जाए मुद्रा, अगर हम बात करें कि मुद्रा क्या है तो क्यूबूत पेशो है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, क्यूबर पेशो मुद्रा है। ठीक है, अब कीनिया, अफ्रीका महाद्वीप के देश कीनिया की राजधानी नैरोबी है। क्या है? नैरोबी है। इसकी मुद्रा सीलिंग है। अगर इसकी मुद्रा की बात की जाए, ये जितना मुझे याद है मैं आपको उतना लिखवा दे रहा हूँ, अब हम भी तो भूल जाते हैं ना। इसकी मुद्रा सीलिंग है। अब बचा क्या? जम्बिया। तो भाई जम्बिया क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? लुसाका है। इसकी राजधानी क्या है? लुसाका है। अब जरा आप लोग बताइए कि ब्राज़ील की जो मुद्रा है क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। देखिए, यहाँ से वो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा जो आपकी परीक्षा में बार बार सही होते हैं, जिनका सही हो रहा उनको बधाई और भगवान करे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें आप, क्योंकि यहाँ पे कोई आखिरी पड़ाव नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको अपना बेस्ट और बेहतर देते रहना होगा। चलते हैं मैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि प्रश्न में प्रश्न साफ करना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? देखिए, राजधानी से भी सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वैसे मैं यहाँ पे चारों विकल्प की व्याख्या जरूर करना चाहूंगा। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। देखिए, संयुक्त अरब की राजधानी अबू धाबी सभी का जवाब सही है। ठीक, अच्छा ये पूछा जाता है कि सऊदी अरब, देखिए सऊदी, देखिए कुछ सऊदी अरब भी होता है, संयुक्त अरब अमीरात होता है। अगर सऊदी अरब की राजधानी पूछ दिया जाए तब, सऊदी अरब की राजधानी जरा बताइएगा, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। क्या है? रियाद है। इराक की राजधानी पूछ दिया जाए तब, एक इराक है और एक ईरान है, रुक जाइए मैं यहां पे दोनों क्लियर कर दे रहा हूं, एक ईरान है और एक इराक है, कन्फ्यूजन होता है सबको। देखिए, जो ईरान है उसकी राजधानी तेहरान है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, तेहरान है। और इराक की राजधानी अगर हम देखें तो बगदाद है। ये दो प्रश्न आपके थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। क्योंकि यहां से देखिए, यह जो परीक्षा वाले जो प्रश्न है वो यहाँ से घुमा घुमा कर पूछे गए। अगर आपने देखा होगा
अगर आपने परीक्षाओं का अनुभव आपके पास होगा तो सिलेक्शन के लिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख ले, चाहे तो आप याद कर लें, चाहे तो इस वीडियो को अपने साथी मित्र तक भी जरूर पहुंचाएं। ठीक है, किसी को मन में कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट करके पूछ सकता है। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा, जवाब जरूर दीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा देश क्या है? देखिए, रूस पहले पे आता है। देखिए, पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर कौन आता है? सातवें पर कौन आता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। सातवें पर कौन आता है? सातवें पर कौन आता है? भारत। आठवें पर कौन आता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अच्छा कोई बता सकता है नौवें पे कौन आता है? नौवें पे कोई बता सकता है? कजाकिस्तान। लिखना इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं कि आज कल परीक्षा के ट्रेंड बदल रहे हैं। कजाकिस्तान। दसवें बता सकता है कोई? दसवें पर कौन आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? ये सभी किसके दृष्टिकोण पर है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर दसवें पर क्या होगा? यहां पे देखिए, हमें प्रश्न के विकल्प के आधार पर बताना होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए दसवें पर आपका क्या आएगा। तो दसवें पर आपका सूडान आएगा। यहां से क्रम याद रख लीजिएगा। अब यहां पे बताइए, देखिए ब्राजील का जो क्रम है वो पांचवें पर है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्रम है वो छठे पर है, चीन का जो क्रम है तीसरे पर है, यूएसए का क्रम चौथे पर है। अब संसार का सबसे बड़ा देश अगर विकल्प में से आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही बताया कि दिए गए प्रश्न के आधार पर अगर हमें विकल्प का चयन करना हो तो यहाँ पर इस विकल्प के आधार पर चीन होगा। जी हाँ, विकल्प के आधार पर आपका चीन सही जवाब होगा, क्योंकि यूएसए चौथे पर आता है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट सबके हो गए। चलिए हम आगे चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रखिए, दसों देशों का नाम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको याद होना चाहिए। सबके लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला देखिए, देश और राजधानी दिया है तो इसमें यह मिलान करना है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया, भगवान करे अगले शिक्षक भर्ती में, अगले सभी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे पीटी की भर्ती हो चाहे दरोगा में, आपका एक स्थान जरूर फिक्स हो। आप मेहनत कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं, यकीनन आप सफल होंगे। चलिए, कोई कह रहा चेंज हो गया तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चेंज होने के बाद क्या आया है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है, जानते होंगे आप लोग। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, दुशांबे। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को पढ़िए और तैयार करके रखिए, और हो सके तो इनकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखिए, क्योंकि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा वाले प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हांगकांग और कोलकाता में, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखते हैं आज इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। देखिए, यहाँ पर जो कोलकाता में डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डी का राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, रट लीजिएगा, यह परीक्षा वाला प्रश्न है, आपके परीक्षा में हूबहू मिल सकता है। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? तीन सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा।
सभी लोग फटाफट कमेंट के बताइए। देखिए बान वियना जो है, पहले तो वियना के मान ले जान लीजिएगा, वियना जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये वोल्गा अच्छा गलत हो गया। वान, अगर हम वान की बात करें तो वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में बेलग्रेड यूगोस्लाविया है। अच्छा देखिए बान राइन नदी किनारे बसा है, काहिरा नील नदी किनारे है, न्यूयॉर्क हर्सा नदी किनारे, वियना जो दिया है वोल्गा नदी। तो जो अगर वियना की बात करें तो वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में वियना है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और बेलग्रेड की बात करें तो यूगोस्लाविया में है, बुडापेस्ट हंगरी तथा बुखारेस्ट रोमानिया, ये चारों नगर राजधानी नगर हैं। वियना ये डेन्यूब नदी के तट पर है, कहां पर है, डेन्यूब नदी के तट पर है, कहां पर है, ये डेन्यूब नदी के तट पर है, और यहां पे बोलगा दिया है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर चौथा होगा, जो गलत है वही हमारा सही होगा। बोलगा नदी के तट पर बोलगा ग्राद है जो रूस में है। अगर बोलगा नदी किनारे अगर पूछ देता तो आप क्या बताते, वोल्गोग्राद, वोल्गोग्राद कहां पर है, ये रूस में है, इस नदी के किनारे था, ठीक है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, आप लोग के ऊपर है, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लें। यहां पर नगर है, नदी है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बर्लिन, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है, क्या है, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल है, और यह स्प्री नदी जो है के किनारे है। लाहौर, लाहौर कहाँ है, रावी नदी किनारे पर है। अगर न्यूयॉर्क की बात कीजिए तो जो न्यूयॉर्क हर्सन नदी के तथा इटली की राजधानी में जो टाइबर नदी किनारे है, ये रोम, न्यूयॉर्क क्या है, हर्सन नदी, ठीक है, न्यूयॉर्क हर्सन नदी के किनारे है, इटली की राजधानी जो रोम है, ये इटली की राजधानी है, कैपिटल रोम, कहाँ पे है, टाइबर नदी के किनारे है। तो चाहे स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं, एक साथ आपके चार चार प्रश्न तैयार होगा। और मेरे लिए यही एक चीज़ है कि आप सिलेक्शन के चाहे जैसे भी करके नज़दीक पहुँचे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। यहाँ पर ये बताना है निम्न में किसका सुमेलन नहीं है या कौन सही सुमेलित नहीं है, जल्दी बताइएगा सभी साथी। ओरोविले पौंडिचेरी में है, यहाँ पे महर्षि अरविंद से संबंधित आश्रम है, ये किसे संबंधित है, महर्षि अरविंद से। सभी लोग लिख लीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, महर्षि अरविंद आश्रम से संबंधित है। बैकानूर, जो बैकानूर है यूक्रेन में नहीं है, ये कहाँ पे, कजाकिस्तान में, कहां पर है, कजाकिस्तान में। यहां से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, यहां से क्या होते हैं, यान छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। मांडुंग ये इंडोनेशिया में, और बट्टी कालोवा ये श्रीलंका में है। तो इसलिए यहां पर जो गलत है वही सही है, क्योंकि तो प्रश्न पूछा कौन सा सही नहीं है, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका बी, जो गलत है वही आपका सही होगा। सबको समझ में आ गया, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो गलत है वही सही है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबके। यार वीडियो को शेयर करिए, मुझे कहना पड़ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा रहा हो तो भाई उसकी जगह पढ़िए, लेकिन अच्छी चीज लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। अगला सवाल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है,
जल्दी कमेंट करके बताइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को इलनी विद दुर्गेश पर देख रहे हैं ना, तो ये अभी तक का बेस्ट सवाल है जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के जो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र है वहीं मिलता है। ये आकार में सींग के जैसा है, कैसा? सींग के जैसा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? एक सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, जिबूती आता है और इरिट्रिया आता है। इसके अलावा लिखना चाहिए एक और आता है, इरिट्रिया। ये चार आते हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका सी सही है। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, देखिए सिंह के आकार का होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये चार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट रख लें, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। लोग गलती करते हैं क्योंकि नाम लगभग मिलता है अफ्रीकी। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश केवल है, स्थल अवरुद्ध। तो बहुत ही आसान प्रश्न, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। तो यहां पर लाओस है, ये जल से स्पर्श नहीं करता। ठीक है, बाकी कंबोडिया की सीमा लगती है, मलेशिया की लगती है, ये सब की सीमा जल सीमा का स्पर्श करती है, लाओस की सीमा नहीं स्पर्श करती। अगला, कौन सी स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तीन है और एक सम्मिलित नहीं है, वही आपको बताना है। देखिए, यूरोप में स्थित कौन कौन सा सम्मिलित है? फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है और कौन है बताइए? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क भी है जी, और डेनमार्क भी है। नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड भी है, डेनमार्क भी है, शायद फिनलैंड नहीं है क्या? ये फिनलैंड नहीं है, डेनमार्क, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, शायद इसका उत्तर डेनमार्क है, ये सम्मिलित नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, डेनमार्क नहीं है। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देशों में डेनमार्क नहीं आता, एक बार आप लोग देख लीजिएगा फिनलैंड कहाँ पे है, डेनमार्क। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सब लोग, मेरा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं पढ़े और आज इसको हमने ध्यान से पढ़ा भी नहीं। अच्छा, ए नहीं है ना डेनमार्क, बाकी सब स्कैंडिनेवियन देश हैं, देख लीजिएगा एक बार आप लोग सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप लोग ए ही शायद सही है, ये ए डेनमार्क ही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? देखिए, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आगे जब भारत की भूगोल की सीरीज आप लोगों ने पढ़ा या पढ़ेंगे तो आप इस बात को और अच्छे से बताएंगे कि अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकज द्वीप कहते हैं। ठीक है, अगला, यहां पे देश है और राजधानी है, तो मिलान करेंगे। अब ये तो धीरे धीरे आप तो सीख जा रहे हैं कि भैया यहाँ पे तंजानिया की राजधानी क्या है, अभी ऊपर हमने बताया था डोडोमा है। केन्या की राजधानी नैरोबी, और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, मोरक्को की राजधानी डोडोमा रबात है, रबात।
मतलब अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, एशिया से इसे सूरज इमस्तक से जुड़ा है, यह एशिया से सूरज इमस्तक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, अब मिलान कर लीजिएगा अपने जब। जी हाँ, तंजानिया दोदोमा, ठीक है, केन्या नैरोबी, निमीबिया विंडहॉक, मोरक्को रबात। देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, मकर रेखा को दो बार कौन कौन काटती है? इतने लोग वीडियो को लाइव देख रहे, फटाफट बताइएगा। अगर कांगो नदी देखा जाए तो ये कर्क रेखा, ये बिसुवत रेखा को ना, ये आपके भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी क्या है? भूमध्य रेखा को ये दो बार काटती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो, अगर लिम्पोपो नदी की बात करें हम, तो ये मकर रेखा को दो बार काटती है, ये मकर रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, लेकिन अब ये बताना है कि इसके अलावा कर्क रेखा को दो बार कौन काटती है? यहां पे इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, माने लिम्पोपो। देखिए, अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं, ली कांगो है, जाम्ब्रेजी है, ऑरेंज है, लेकिन जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को घुमाव के कारण दो बार काटती है, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को। ये कांगो गणराज का विषुवत रेखा पर स्थित होना है। कर्क रेखा को माही नदी काटती है, माही ये भारत में है, ये क्या है, भारत में है। क्लियर हुआ सबको? तैयार? यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। नाइजर नदी के बारे में बताइएगा आप लोग, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब नदियों की सीरीज विश्व भूगोल में, वैसे आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, वहां पे आप इस तथ्य को पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि यहाँ की सीरीज से कैसे आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा जल्दी से, जितने वीडियो को देख रहे हैं। अगला, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल और उद्देश्य नहीं है? तीन है और एक नहीं है। मतलब स्थल और उद्देश्य वे होते हैं जिनकी सीमा किसी प्रकार से जल सीमा को, समुद्र सीमा को स्पर्श नहीं करती, उन्हें हम स्थल और उद्देश्य की सीमा में नहीं रखते। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए। देखिए, अफगानिस्तान स्थल और उद्देश्य है, ये जल से स्पर्श नहीं करता। लाओस स्थल और उद्देश्य है, लग्जमबर्ग, लेकिन जो लाइबेरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ऐसे ऐसे नाम है, ये अफ्रीका में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पर है? अंध महासागर को स्पर्श करता है। तो यहां पर जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यही पर आपका पूछा है। अगर लाओस की बात करें, लाओस कह रहे हैं, लाओस के उत्तर में चीन है, पूर्व में वियतनाम है, पश्चिम में म्यांमार है, दक्षिण में थाईलैंड है, जो लाओस को बता रहे थे। तो देखिए कितना यूनिक प्रश्न आपके लिए है। डेली क्लास चलती है, अब डेली आप लोग टाइम से लाइव आ जाया करिए, आप लोग को बार बार बताना पड़ता है, अपने सभी साथी मित्रों को बता दीजिए, अगर उनको सिलेक्शन लेना है तो टाइम से लाइव आए। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सा है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, पहली बात इसके बारे में जान लें, यह वेधशाला भारत में है। भारत में कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में है। ये जम्मू और कश्मीर में है कि कहां पर? लद्दाख में। मतलब ये लद्दाख में ही है। अगर जम्मू कश्मीर आया तो ठीक है, नहीं आया तो सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे? लद्दाख लगाएंगे। लद्दाख के कहां पे? हेनेल में, हेनेले ये स्थान है, ये स्थान है।
और ये 15,000 फुट की ऊंचाई पर है। ये भारत में, अब लद्दाख में है, हिनले नामक स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए होंगे, ताकि क्लास की लिंक आपको मिल सके। क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है। देखिए आपकी संख्या इतनी कम रहती है और मुझे लगता है क्या पढ़ाने में कमी रह जाती है। अमान जॉर्डन, देखिए आप ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तीन है और एक नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए ओमान की जो राजधानी है जॉर्डन, बिस्केक की राजधानी तंजानिया, बिस्केक की राजधानी जो बिस्केक है ये ताजिकिस्तान की राजधानी नहीं है, ये किर्गिस्तान की राजधानी है। बिस्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है। देखिए ये देश है और ये राजधानी है, तो ये आपका गलत हो गया। उड़ान बटोर मंगोलिया, सनाइया यमन, मतलब यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, जो गलत है वही सही है, अर्थात डी प्रश्न का सही जवाब है। मैंने आपसे बताया अगर लगातार क्लास पढ़ेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आप चाहें एक ही दिन आए पढ़ें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीन शॉट करते चलिए। अभी आपको एक माइंड मैप बन रहा होगा ना कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, परीक्षा में कैसे कैसे सवाल आते हैं। इसमें से कह रहे भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, आसान प्रश्न है। ऐसे देशों का नाम काफ़ी है जहाँ पे मैं लिखवाऊँ तो लिखना चाहे लिख लीजिएगा। ये भूमध्य रेखा अगर अफ्रीकी देश की बात करें तो कीनिया से गुजरती है, गैबोन से गुजरती है, रवांडा से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, कंपाला से गुजरती है, कांगो से गुजरती है, सोमाली गणराज्य से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर कीनिया आ गया, कीनिया से गुजरती है, कीनिया कंपाला कांगो सोमाली गणराज्य गैबोन रवांडा युगांडा। अगर हम कैमरून की बात करें तो कैमरून अफ्रीका में है, वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, कोस्टा रिका उत्तरी अमेरिका का देश है, ये भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता, न कैमरून गुजरता है न कोस्टा रिका न वेनेजुएला से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा सी राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, यह आज का आखिरी प्रश्न है। आप लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए या नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश से आपको मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिदिन क्लास की टाइमिंग आपको पता है और यह एनसीईआरटी की सीरीज विश्व भूगोल है, जल्दी ख़त्म होने वाली है महाभारत सीरीज, उसके बाद एक अन्य विषय शुरू होगा। अगर आप लोग साथ देंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे तो मुझे और मेहनत करने के लिए खुद से लगेगा यार आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कोपेनहेग, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कोपेनहेग डेनमार्क बर्लिन जर्मनी पेरिस फ्रांस ओस्लो नॉर्वे, यहाँ पे लगभग देखिए यहाँ पर एक बात जानिए, जो बर्लिन है ये जर्मनी की राजधानी नगर होने के साथ साथ उसके प्रमुख राज्यों में से एक, माने बर्लिन राज्य भी है और राजधानी भी है, और बाकी जो है राजधानी नगर मात्र है। ये सब क्या है, राजधानी नगर मात्र है, ठीक है, ये राजधानी नगर है। जैसे ये राजधानी नगर है, ये राजधानी नगर है, राजधानी नगर, लेकिन यहां पर बर्लिन जो है ये राज्य भी है। बर्लिन ये नगर है, ये नगर राजधानी है, ये नगर राजधानी है,
ये नगर राजधानी है। मेरा मतलब ये था कुछ यूनिक था इस प्रश्न में, ठीक है। जितने भी वीडियो को देख रहे सबको लगा ना यूनिक है, बर्लिन राज्य भी है और राजधानी भी है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इलनी बुद्रगेश, इंस्टाग्राम इलनी बुद्रगेश, ट्विटर इलनी बुद्रगेश, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर, अपने फेसबुक की स्टेटस पर, अपने फेसबुक के पोस्ट पर जरूर डालिएगा, इसलिए ताकि इस मेहनत का फल और लोगों तक लगे। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। और एक छोटा सवाल अगर आपका है तो मैं आपसे पूछते चले। जी हाँ, आपको ये बताना है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाएंगे, बताएंगे कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हर क्लास की लिंक केवल टेलीग्राम पर मिलेगी।